बाड़मेर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ प्रतिदिन नेगेटिव होकर घर लौटने के सुखद समाचार भी आ रहे हैं। शनिवार को तलाई रोड स्थित कोविड केयर सेंटर से 7 मरीजों की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। कोविड सेंटर से नेगेटिव हुए मरीजों को प्रमाण पत्र देकर छुट्टी देने के साथ अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए। कोविड 19 के संक्रमण के दौर में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में कोविड 19 से जंग जीतने वालों की भी तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शनिवार को कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ होने वाले 7 लोगों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। सभी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश भी दिए गए। शनिवार को 7 लोगों को कोविड 19 केयर सेंटर प्रभारी डॉक्टर दिनेश परमार ने प्रमाण पत्र देकर रवाना किया। अब तक जहां जिले भर में 25,151 कोरोना सैंपलिंग की जा चुकी है और जिले भर में 829 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। जिले भर में अब तक कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 491 लोगों को ठीक होने के बाद उनको अपने अपने घरों के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में जिले भर में अलग अलग कोविड 19 केयर सेंटर में 327 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। जिले भर में अब तक के 829 कोरोना पॉजिटिव में से 227 प्रवासी नागरिक है जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से कोरोना का संक्रमण लेकर बाड़मेर लौटे थे। 7 लोगों को डिस्चार्ज किया है। 11 और 10 तारीख एडमिट हुए थे यहाँ पे। कल परसों और कल 2 दिन दोबारा सैंपल लिए गए, दोनों बार सैंपल नेगेटिव आए। तब उनका डिस्चार्ज करें, सब स्वस्थ है। अब इनको 2 हफ्ते के लिए घर पे वापस छोड़ देंगे। कोविड 19 की जंग जीतने वालों के चेहरे पर कोविड 19 की जंग जीतने की खुशी साफ तौर पर नजर आई। वहीं सभी मरीज अपने इलाज के दरमियान कोविड केयर सेंटर में मिली सुविधा, माहौल और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए।